मुंबई की पाव भाजी क्या दिल्ली से कंपैरिजन है। ये जो तरह तरह के इन्होंने तीन मसाले डाले ना, आई थिंक इसी की वजह से लोग वापस आते हैं। जीरो तेल में बनाए, लिटरली एकदम जिसे कहते हैं हेल्दी गुड कार्ब्स। हाय गाइस, सनमित दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी, और अभी मुंबई की गर्दी में आपको दिखा रहे हैं संडे स्पेशल्स में मुलुंद खाऊ गली का खारा। बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, बहुत फन रहेगा। पाव भाजी होने वाली है, तवा पुलाव होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें रहेगी। एंड तक देखना वीडियो, मज़ा आएगा। कुछ खाने के लिए पहले ही वॉर्न कर रहा हूँ, चटपटा सा ले लो बिकॉज जीभ लबालब हो जाएगी। मुलुंद खाऊ गली बोलते हैं इसको। हाँ, तो इधर से ही आप लोगों ने स्टार्ट किया था। हाँ। क्या नाम? राजेश पाव भाजी, डैडी का नाम है। अच्छा, मुलुंद एंड एरोली दो ही आउटलेट। हाँ। अभी और होएगा चालू। हाँ, बेस्ट विशेस। और होगा मतलब स्टार्ट होने वाला है क्या नियर फ्यूचर में? और चालू होएगा एक दो जगह। अच्छा, जब तक ये वीडियो आएगा तब तक हो चुका होगा शायद। तो ये अच्छा, इसमें बटाना भी पड़ता है। हाँ, ये ग्रीन पीस। ग्रीन पीस क्या वैसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं, पाव भाजी या ये मसाला? पुलाव, मसाला पाव, जो चाहिए सब खाती है। अच्छा, पाव भाजी, तवा पुलाव, मसाला पाव, तीन चीजों से स्टार्ट किया था। एंड आई थिंक अभी ये साथ वाला भी आप ही का ही है। हाँ, ही है। फिर जैसे जैसे लोगों ने बोला भैया पानी पूरी रखो, ये रखो। नहीं, वो भी बहुत पहले से हो गई। अच्छा, वो भी बहुत पहले से है। ये जो तरह तरह के इन्होंने तीन मसाले डाले ना, आई थिंक इसी की वजह से लोग वापस आते हैं। है? मेन मसाला हमारा ये है। ये है क्या? ये क्या तर्री है? ये क्या है? ये कांदा और ग्रेवी, बीट का ग्रेवी है। कांदा और बीट का ग्रेवी, बीट का ग्रेवी है। तो उससे वो एकदम डार्क कलर भी आता है। सैटरडे संडे में तो बिल्कुल भीड़ होता है ना? पूरा भीड़ रहता है, पूरा भीड़ रहता है। ये जो आपका कांदा और बीट की ग्रेवी है, बीट का ग्रेवी है, एकदम सब इसमें रहता है, सारा टेस्ट यही रहता है मसाले का। ये और आपके हिसाब से आप कह रहे हो कहीं और नहीं मिलेगा ये? दिस इज व्हाई पीपल कम बैक। यस, आप थोड़ा पीछे रहेंगे। हाँ, आज मैंने सफेद शर्ट पहना है, वरना मैं डार्क शर्ट पहन के ना डर के आगे जीत है करता हूँ। ये इतना डर है कि थम्स अप भी नहीं बचा सकता ये। ठीक है, एक ना मेरी ये पाव भाजी की प्लेट लगा देना, और एक कोई ये मसाला पाव क्या होता है? मसाला पाव आएंगे, उसमें भाजी और पाव मिक्स रहेगा, वो कटिंग वाला रहता है। हाँ। अगर हो सके तो उसका एक छोटा पोर्शन कर देना। बना दूंगा, राइस भी खा लीजिए आप, राइस भी बना देता हूँ। राइस भी बना दोगे? यस। तो उसका भी एक छोटा पोर्शन बना देना। बना एक रेडी। और कितने बजे ये चालू होता है? इधर तो मुलुंड में 6 बजे चालू होता है। मार्केट के साथ ही होता होगा आपका? हाँ, 6 बजे चालू होता है, 12 बजे तक हम लोग रहते हैं। हाँ। और एरोली में 2 बजे से 11 साढ़े 11 तक मोस्टली। तवा पुलाव बना रहे हो अभी? तवा पुलाव बना रहा हूँ। अच्छा, वो अपने वो मसाला पाव है क्या? वो पाव भाजी है। अच्छा, वो सिर्फ पाव भाजी है। अच्छा, मसाला पाव तो वो कटिंग वाला जो आता ना वो भी? हाँ, स्पेशल चटनी। और ये स्पाइसी वाली होगी, ये हल्का नमक और गरम मसाला। गरम मसाला सागर नाम है ना आपका? मेरा सागर है, डैडी का नाम राजेश है। हाँ, सागर भाई को ना ऑफर करना चाहिए था कि भैया आपने व्हाइट शर्ट पहनी है तो एप्रन आप पहन लो। एप्रन और एक चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं। सब्जियां पक रही है, सब्जियां पक रही है, पूरा बॉईल हो रहा है, बटर में फ्राई कर दो पहले, ये जाएगा स्मैश। तवा पुलाव का पाव भाजी के साथ क्या ताल्लुक आता है? हर पाव भाजी वाली जगह पे तवा पुलाव दिखेगा ही दिखेगा। राइस आइटम है, पप्पू खाती है, वो उसकी सेम मसाला रहता है। सेम मसाला रहता है, बिरयानी जैसा टेस्ट रहता है, वही सेम मसालों से बन जाता है, एक डिश एक्स्ट्रा हो जाती है। मतलब जिसको पाव नहीं पसंद वो राइस खा ले, भाजी नहीं पसंद है तो राइस खाते हैं, राइस खा लेते हैं।
चालू है मसाला पाव। ये मसाला पाव बन रहा है। पाव कितना रहेगा नाम? लहसुन, स्पेशल मसाला, तीखा। कितना समय लगा आपको ये सीखने में सारा? ये मेरे को सीखने में, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, सीखने में मेरे को मोस्टली एक महीना। एक महीना भी ऐसे ही है मजाक मजे का, बचपन से सीख रहा हूँ तो दिमाग में बैठा ही है, बचपन से देख रहे तब से सब याद ही है। डैडी आते नहीं, डैडी का मेरे से फास्ट आते हैं। डैडी आजकल नहीं आते? डैडी नहीं, डैडी का तो तबीयत डाउन है। हाँ, राजेश पाव भाजी मतलब गर्दी। हाँ, 5 साल बाद आऊंगा थोड़ा और हाथ तेज होगा। 5 साल में आओगे और 2 ब्रांच आ जाएगा, 2 से और 2 पर। ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, ये आगे लेके जाएगा, 2 से 3 ब्रांच आ जाएगा। आ जाएगा। दुआ से। अच्छी बात है। मसाला मसाला पाव फुल ग्रेवी, फुल ग्रेवी मतलब 5 साल में आप 2 से 3 ब्रांच और खोलना है। ये लो, बताइए जितने प्यार से आप खिला रहे हैं अच्छा ही होगा। कम ज्यादा रहे तो स्पेशल और मसाला देता हूं। पूरा का पूरा मेन्यू लगवा लिया हम लोगों ने, खाने आए थे एक चीज पर इतने प्यार से खिलाते हैं मुंबई में। ये तवा पुलाव, ये पाव भाजी, ये उसके साथ में पाव ऐसे ही मिलता है चटपटा सा, ये मसाला पाव, और ये बोला कि अगर कुछ भी कम ज्यादा लगे तो इसको खाना, गर्दी बहुत है मेरे पास। मजाक जोक्स, बड़े प्यार से सारा का सारा मेन्यू लगाया। टेस्टिंग करते हैं थोड़ा क्वांटिटी हाफ करके। आइए गाइस, पूरा प्लेटर लग चुका है हमारा, एक एक करके टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले मसाला पाव से स्टार्ट करते हैं। मसाला पाव, आई बीन टोल्ड, उन लोगों के लिए जिनको ना पाव खाना पसंद है ना भाजी खानी पसंद है, बट वही फ्लेवर चाहिए। दिस वॉज मसाला पाव। और अब हम लोग अपनी लेंगे इनकी स्पेशल, ये देखो सॉफ्ट सॉफ्ट मुंबई वाला पाव, और साथ में लेंगे भाजी जिसमें डाला हुआ है ये स्पेशल वाला मसाला। हाँ हाँ, पाव भाजी। मतलब पुलाव खाते हुए आपने मसाला पाव बोल दिया, वो स्वाद में इतना पुलाव पुलाव हो गए। मेरे को वैसे ही पुलाव इतना पसंद नहीं है, वो पे आगे बढ़ गया मैं। बड़े बहुत सही लग रहा है ना, एक हाँ। बटरी बटरी। आओ विक्रम भाई, जॉइन अस, अपना ही समझो। आप पहली बार खा रहे हो ना? तो क्या मुंबई आते रहते हो? हंसी मजाक की बात है। विक्रम भाई हमारे मुंबई के दोस्त, जो बढ़िया बढ़िया हमें अड्डे बताते रहते हैं। ये वाला इनका ना प्लेन ऐसे ही मिलता है, सादा पाव ऐसा ही ऐसे ही देते हैं, थोड़ा मसाला लगा। नहीं नहीं, मसाला ही है वो, जैसे वो बॉम्बे पाव कहते हैं, बटर पाव बोलते हैं ऊपर नीचे हो तो। भैया ने बोला मस्त 15-20 मिनट लगा कर तुम्हें सारा बताया, अगर कुछ टेस्ट में 19 रह गया तो ये खाओ, और स्पाइसी चाहिए तो ये करने का, तो ये खाओ। इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि मेरे पास दोबारा बताओ, बहुत गर्दी है। ये लो ये मसाला पाव, ये आई कैन से कि ये अपनी दिल्ली में भी मिलता है, कम मिलता है ना मुंबई में कटिंग वाला, हमारे दिल्ली में भी मिलता है। मुंबई की पाव भाजी, मुंबई की पाव भाजी, क्या दिल्ली से कंपैरिजन है। मतलब इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस भैया, मस्त है टेस्ट, बहुत अच्छा लगा। जो टिपिकल स्ट्रीट फूड वाले फ्लेवर है ना चटपटे, थोड़ा वो नींबू डाल के ना मजा आ गया ना, बहुत चटपटा फ्लेवर। पर यार आप देखो कि भाई जैसे कहते हैं ना जिगरा लेके हम लोग आए, तीनों के तीनों इतने लाइट कलर के कपड़े पहने हैं, इतने लाइट कलर और इतना ऐसा खाना खा रहे हैं ना, इसे जिगरा लगता है। आप वीडियो लाइक कर दो, हम लोग हंसी मजाक में और कोई बढ़िया ढूंढते हैं आपके लिए जगह खाने की। मुलुंद खाऊ गली का खाना मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है, सबसे बढ़िया इन सब में से मेरे को लगा है मसाला पाव नींबू मार के। विक्रम भाई आपने एक बात नोटिस करी क्या, इतने साल हो गए मुंबई आते हुए, हाँ आज तक लाइट कपड़ों की बात नहीं करी, आज शादी होकर आई है ना, रंग बदल गया अब याद आ रहा है लाइट कपड़े। भाई भाई नहीं डांट पिटेगी कोई बात नहीं, शादी क्योंकि शादी होने के बाद मैंने लॉन्ड्री लगाना सीखा है ना।
चलो भाई गृहस्थी की बातें बाद में करेंगे, चीजें देखने के लिए ट्रैवलिंग पाची जहाँ पे आते हैं डेली व्लॉग्स, वहाँ पर राज खुलते रहते हैं, यहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनलिज्म बना के अगली जगह पे चलते हैं मुलुंद खाऊ गली की गर्दी बहुत है मुंबई की गर्दी में। अभी अपनी अगली जगह पे है, पीछे मुंबई की बस निकल रही है और मुंबई की लाइफ इतनी फास्ट है जितनी देर में ये बस निकली उतनी देर में एक अप्पम बन जाता है। कहाँ पे आए हैं ये दिखाए ना शर्मा, उसके बिल्कुल साथ में दोनों दोनों की दोस्ती बड़ी खूबी है, वो 2 साल पहले है वो 1.5 साल पहले है, दोनों अपने अपने में ये तो इनसे बात कर रहा था, ये कह रहे हैं बहुत सालों से अप्पम बेच रहे हैं, इनसे पूछते हैं क्या चीज़ है और क्या मतलब फ्यूजन क्या चीज़ कर रहे हैं अप्पम के साथ में, दिखाते हैं आपको मुलुंद की खाऊ गली में। ये डोसे का बैटर रहता है कैसे रहता है? खाली चावल का रहता है, खाली चावल का डोसे में चावल और दाल दोनों मिक्स रहता है। हाँ उड़द दाल रहता है, उड़द दाल हाँ, एक खाली प्लेन चावल है, चावल का बैटर सिर्फ फर्मेंट करके रखा है। हाँ ऑयल नहीं आता। अच्छा ये तो काफ़ी हेल्दी हो गया। क्या रुपीज़ का सेल करते हो आप? ये सादा वाला 25, मसाला वाला 35। अच्छा किधर इसके पास रहते हैं, किधर के पास रहते हैं? टाइटन आई केयर के साथ, आई प्लस के साथ में। आप भी 4 बजे आ जाते हैं? अच्छा ये नाश्ते की चीज़ थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। अच्छा मसाला वो जो बटाटे का मसाला रहता है डोसे वाला और साथ में चटनी रहती है खोपरे का, खोपरे का चटनी। अभी वेट करेंगे 2 मिनट उसके बाद निकलेगा और फिर खाएंगे। ये मैंने लास्ट खाया था डोंबिवली में, बराबर ना डोंबिवली में भी आपका? अच्छा शायद आपके उसी से खाया होगा। बहुत है वहाँ पे ज़्यादा लोग बनाते हैं ये, पर ये मुलुंद में या फिर मुंबई साइड में कम मिलता है अप्पम। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में तो मिलता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं मिलता। दिल्ली में तो ये हाई फाई होटलों में ही मिलता है बस। बीच में मसाला और चटनी डालोगे ना? एपिक। तो कब से चालू करा ये? यहाँ पे 1.5 साल हुआ। 1.5 साल हुआ इधर मुलुंद आने का कारण? यहाँ पे ज़्यादा वेजिटेरियन लोगे ना, यहाँ पे ज़्यादा वेजिटेरियन, मुलुंद में वेज है पूरा। हम भी वेज खाना दिखाते हैं, हम प्योर वेज चैनल है। तो कल्पेश भाई ये जैसे अभी मुलुंद का ये खाऊ गली है पूरा, तो आपको अभी 1.5 साल हुआ है, तो ऐसा कोई जैसे आसपास वाले लारी वाले नहीं बोलते कि आप क्यों आए ऐसे या वो? नहीं, मतलब यहाँ पे ऐसे है कि आप आराम से अपना आके बेचो, हम अपना बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो उसमें सही रहता है। ये लग गया हमारा मसाला वाला अप्पम, अप्पम बोलते हो इसको? चलो टेस्ट करते हैं। अब ये खा रहा हूँ अप्पम। वैसे तो अप्पम जो है बहुत कम खाने को मिलता है दिल्ली में, जहाँ से मैं हूँ स्पेशली वहाँ पे तो मालाबार परोता के साथ जैसे स्ट्यू मिलता है वैसे ही अप्पम के साथ भी स्ट्यू मिलता है, बट ये वाला जो टिपिकल स्टाइल है ना, अभी भैया भी बता रहे थे दिस इज़ द डोंबिवली स्टाइल ऑफ सर्विंग अप्पम, इस स्टाइल का अप्पम बिना खाए मैं बता दूँ बहुत टेस्टी होने वाला है। तो इसको ये चीज़ क्या चीज़ इस अप्पम को इतना टेस्टी बनाती है कि ये पूरा चावल का आटा है सिर्फ, उसको फर्मेंट कर रखा है, उसमें आलू का मसाला डाल रखा है, आपकी मर्जी है डालो आओ ना डलवाओ, खोपरे यानी नारियल की चटनी है और मुझे अलग अलग जगहों का स्ट्रीट फूड खाना बहुत पसंद है, नए नए आपको कल्चर्स पता चलते हैं, नए नए फ्लेवर्स पता चलते हैं और नए नए फ्यूजन्स जो एक्चुअल में कभी कभार जाके कुछ कुछ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स का मेन्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं, वो चीज़ें भी स्ट्रीट फूड से निकल के आती है। फॉर एग्जांपल दौलत की चाट, इंडिया का जो बेस्ट रेस्टोरेंट है इंडियन एक्सेंट, उसके अंदर दौलत की चाट जैसे सर्व होती है वो कहाँ से निकल के आ रही है? यूपी की गलियों से, यहाँ पे उसको मलाइयों बोलते हैं, दिल्ली में दौलत की चाट बोलते हैं। लवली, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया खाने आपको मुलुंद खाऊ गली में बहुत मिलते हैं, मुंबई में बहुत मिलते हैं, अलग अलग शहरों में बहुत मिलते हैं और सारे वेजिटेरियन जायके आप तक लेके आते हैं आपके प्यारे वेजी पाजी, जो प्योर वेजिटेरियन खाना दिखाते हैं आपको।
बात करेंगे ऐसी एक और बढ़िया खाने की वीडियो में, जहाँ पे खाना रहेगा, हंसी मजाक रहेगा और आपका और मेरा साथ रहेगा। सो गुड।